राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2023 में हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा, हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें, हरतालिका तीज का पूजा का समय क्या होगा। बंधुओं, हरतालिका तीज का व्रत अपने नाम के स्वरूप वर्ती मनुष्य के समस्त पापों को हर लेता है। हरतालिका तीज व्रत मुहूर्त शुभ योग। और क्यों किया जाता है हरतालिका तीज का व्रत, ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। बंधुओं, 2023 में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। बंधुओं, इस दिन विवाहित महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में सुहागिने और कुंवारी लड़कियां रात्रि जागरण कर शंकर और पार्वती माता की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज व्रत बहुत खास संयोग लेकर आ रहा है, जो स्त्रियों को बहुत गुना फल प्रदान करने वाला है। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत मुहूर्त शुभ योग क्या होगा। बंधुओं, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 पर शुरू होगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर होगी। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 पर होगा। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:23 से 6:47 तक होगा। बंधुओं, हरतालिका तीज के 4 पहर के मुहूर्त जो भी बनते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले पहर की पूजा शाम 6:23 से रात 9:02 तक होगी। दूसरे पहर की पूजा रात 9:02 से प्रातः 12:15 तक होगी। तीसरे पहर की पूजा प्रातः 12:15 से प्रातः 3:12 तक होगी। चौथे पहर की पूजा प्रातः 3:12 से सुबह 6:08 तक होगी। बंधुओं, हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त शुभ योग क्या है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन सोमवार भी पड़ रहा है, यह एक बहुत शुभ बात है। ये व्रत और सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी को समर्पित है। ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा से भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होंगे और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करेंगे। बंधुओं, इंद्र योग 18 सितंबर सुबह 4:28 से 19 सितंबर को 4:24 तक सुबह होगा। रवि योग 18 सितंबर 2023 को 12:08 से 19 सितंबर सुबह 6:08 तक होगा। बंधुओं, कैसे पड़ा हरतालिका तीज व्रत का नाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती मन ही मन शिवजी को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। ऐसे में पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर जंगल में ले गई, जहां माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत ही कठिन तप किया। भूखी प्यासी रहकर साधना करती रही। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माँ पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। शिवजी माता पार्वती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी स्वीकार कर लिया। माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण कर जंगल में लाई थी, इसलिए
इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को फुलेरा चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा जाता है, फुलेरा उस पर बांधा जाता है। कहा जाता है जो कोई भी हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव के कलश पर फुलेरा बांधता है, भगवान शिव उनके सभी मनोरथ शीघ्र अति शीघ्र पूरे कर देते हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद।